हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोग का दोस्तों आज हम देखने वाले मार्च महीने की पूरी कर पूरी पूरी करंट अफेयर देखेंगे हम कंप्लीट करंट अफेयर जो पीआईबी में न्यूज़ था द दे हिंदू दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण में प्लस इंडियन एक्सप्रेस में इसका सारा कम्बाइंड करके हम आज देखने वाले हैं मार्च महीने के करंट अफेयर जिनको यू यू पी एस सी फिल्म दो हज़ार उन्नीस देना है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है और लास्ट टाइम रिवीजन का इससे अच्छा बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता ठीक है देखो मार्च का आ जा रहा है और आज ही आपको अप्रैल का भी मिल जाएगा तो हम अप्रैल तक मैंने कहा था कर्णा फिर पढ़ना तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी ठीक uh, है थैंक्स टू बी द पार्ट ऑफ डी के एस फैमिली दोस्तों तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं सेशन को तो, तो सबसे पहले बात करते हैं अपतानी जनजाति तो आपको बस इतना याद रखना है कि अपतानी जनजाति कहाँ की है तो याद रखिएगा अपतानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की है और से अप्तानी और से अरुणाचल प्रदेश ठीक है उसके बाद बात करते हैं सतत स्कीम देखो आपको याद क्या रखना है इसमें सतत स्कीम में सतत स्कीम किसके लिए है ठीक है सतत का नाम ये देखो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन तो ये नॉर्मली जो चालू की गई दोस्तों ये किसानों और उद्यमियों के लिए चालू की गई है ठीक है वाहन उपयोगकर्ता किसानियों किसानों और उद्यमितों के लिए चालू किया गया बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि यू पी ये नहीं पूछेगा क्या, क्या है ये आपसे ये पूछेगा सतत स्कीम इसका उद्देश्य क्या है ठीक है ये आपसे पूछा जा सकता है इसमें युद्ध बंदियों के लिए जिनेवा कन्वेंशन जिनेवा कन्वेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि हमारे विंग कमांडर अभिनंदन थे जो पाकिस्तान में मतलब ये मिग ट्वेंटी वन उड़ाते इसमें गिर गए थे तो इसके बाद पाकिस्तान ने इनको पकड़ लिया था तो जिनेवा कन्वेंशन के तहत तो उनको छोड़ना पड़ा रीज़न ये है देखो जिनेवा कन्वेंशन नाइनटीन क्या कहता है कि युद्ध में कोई भी पर्सन अगर अगर मारा जाता है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपने कि युद्ध चल रहा है ठीक है सपोज करिए पाकिस्तान है इंडिया है अगर इंडिया कोई सैनिक पाकिस्तान में चला गया अगर आपने उसको पकड़ लिया तो जिनेवा कन्वेंशन ये कहता है कि आप उसके साथ वैसे ही व्यवहार करोगे जैसे अपने नागरिकों के साथ करते हो ठीक है उसके साथ सामान्य व्यक्ति का व्यवहार करोगे और आपको उस देश को सौंपना पड़ेगा जिस देश का वो है ठीक है अगर वो सैनिक है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा तो उसके तहत फिर जिनेवा कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान को वही करना पड़ा ठीक है तो बेसिक सा आप फंडा याद रखिएगा जो मैंने आपको बता दिया बस इतना ही आप अगर याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा ठीक है ना जिनेवा कन्वेंशन कब बना था ये आप याद रखिए नाइनटीन फोटी नाइन में जिनेवा का जिन्ह हाँ जिनेवा कन्वेंशन इसलिए कहते रहे थे जिनेवा मना जिनेवा कहाँ पे स्विट्जरलैंड पर ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे ठीक है तो इतनी पॉइंट्स आपको याद रखना समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2019 की बात करें तो भारत की रैंक दोस्तों सौ देशों में फोर्टी रही ठीक है स्वीडन इसमें प्रथम स्थान पर रहा ये चार चीज़ें कंसिडर करते हैं ठीक है सुलभता सू, कैसी है कम खर्च वात में उपलब्धता कितनी है प्रासंगिकता कितनी है रेडीनेस कितनी है ठीक है तो याद रखिएगा और ये यूनिट कौन सा निकालता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है तो आप सब देखो आपसे यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको बता दे रहा हूँ समावेशी इंटरनेट सूचकांक ठीक है समावेशी इंटरनेट सूचकांक कौन निकालता है ई आई यू निकालता है ठीक है इकोनॉमिक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट निकालता है प्लस ये चार मानक मतलब पॉइंट्स को आकलन करके करता है तो कौन कौन सी आकलन है एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी रिलिवेंस और आपका रेडीनेस तो डबल टू टू ए टू टू ए टू आर बोलते हैं इसको ठीक है तो ये भी याद रखेंगे टू ए टू टू ए का मतलब हो गया एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी रिलेवेंस और आपका रेडीनेस रेडीनेस ठीक है तो इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे भारत का रैंक कितना याद रखेंगे सौ देशों में और स्वीडन प्रथम स्थान पर रहा ये पॉइंट्स इतने याद रखेंगे आपका काम बन जाएगा अरुण थ्री जल विद्युत परियोजना किस देश में बस याद रखिएगा नेपाल में ठीक है ना बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है इतना ही पता पता रखना है आपको कर्नाटक में ठीक है इतनी ही आपसे काम हो जाएगा स्पेक्स क्रू डाइगर प्रोग्राम दोस्तों ये एलॉन मस्क थे ठीक है आपने टेस्ट, टेस्ट पेपाल का नाम सुना होगा राइट पेपाल इनकी कंपनी है पेपाल का है या टेस्ला आपने नाम सुना होगा ठीक है ये दोनों कंपनियाँ एलॉन मस्क की है इनका ही एक स्पेस एक्स प्रोग्राम है ठीक है तो जिसके करती है क्या करते हैं अब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया है कि अब मानव को अंतरिक्ष में भेजने का प्लान कर रहे हैं मून पे घर बसाने का प्लान ये भी कर रहे हैं और वहाँ पे आपको आ, मैंने कल कल ही बताया था ये चीज़ कि अमेजोन के संस्थापक भी सेम बेजोस भी यही काम करने की प्लानिंग में है ठीक है गिनिज बुक में शामिल किया गया कुंभ मेले को तो कुंभ मेला इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहा तो आप ये चीज़ याद रखिएगा ठीक है अट्ठाईस फरवरी से तीन मार्च तक प्रयागराज में हुआ तो कहाँ पे हुआ प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान एक स्कीम चलाई गई थी जिसको बोला गया था पेंट माई सिटी योजना तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है पेंट माई सिटी योजना का तात्पर्य क्या था या मुख्य उद्देश्य क्या था तो शहरों को पेंट करना था ठीक है जितने सार्वजनिक स्थल थे उसको उन्होंने अच्छे से पेंट तो कुंभ के टाइम आपने देखा होगा कि पूरे इलाहाबाद को पेंटिंग करके पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया था ठीक है तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा वेनोजिला की बात करते हैं वेनोजिला बहुत ज़्यादा चर्चा में था ठीक है तो वेनिला याद रखिएगा यहाँ पे है और आपका इसका कैराकस इसकी कैपिटल है ठीक है और ये साउथ अमेरिका की के साउथ अफ्रीका का साउथ सॉरी साउथ अमेरिका का एक देश है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ठीक है छः पार्ट है कौन कौन से यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हम बात करेंगे उसका आपका यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूनाइटेड नेशन ट्रस्टिंग ट्रस्टि काउंसिल एक अभी मतलब निरस्त चल रहा है बाकी पाँच अभी फंक्शनिंग है ठीक है तो इसके दस पाँच परमानेंट मेम्बर होते हैं तो ये मैंने आपको बताया था एक यू हो गया एक रसिया हो गया एक चाइना हो गया एक फ्रांस हो गया ना एक आपका ब्रिटेन हो गया ये सिक्योरिटी काउंसिल के पांच परमानेंट मेंबर हैं उसके बाद ये जो दस मेंबर होते हैं हर दो दो साल पे चूज करके आते हैं हर दो दो साल पे ठीक है ये थी चीज़ याद रखिएगा अब यूनाइटेड यूनाइटेडेड नेशनल कंट्री बना था 1945 में पंद्रह स्टेट होते हैं लगभग मैंने सारी चीज़ें बता दी ठीक है तो जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ तो उसके बाद यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन बना था तो उसके टाइम पर बना था अब बात करते हैं दीपम दीपम बस इतना याद रखना है कि देखो दीपम क्या है तो याद रखना कि वी निवेश ठीक है वी निवेश विभाग है इसका नाम बदल के भी वी निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया गया तो ये है दीपम अगर आपको फुल फॉर्म दीपक का पता रहे, दीपम का पता रहेगा तब भी आप कर जाएंगे डिस इन्वेस्टमेंट है ये ठीक है डीआई का तो बस इतना अगर याद रखें डिस इनवेस्ट ऑफ पब्लिक एसेट्स एसेट मैनेजमेंट समथिंग ऐसे है ठीक है बट इतना दीपम का बस मेन पर्पज़ आप याद रखिएगा दीपम का मेन पर्पज़ क्या है तो याद रखिएगा बी निवेश करना बी निवेश मतलब सपोज करो एक एग्जाम्पल देता हूँ एक कंपनी एन ठीक है अब मैं अगर एन की बात करूँ तो एन में अगर गवर्नमेंट का शेयर सबसे कल साठ परसेंट है मैं एग्जाम्पल देता हूँ अगर गवर्नमेंट का शेयर साठ परसेंट है गवर्नमेंट करते मेरे को अपना शेयर जो चालीस परसेंट ही रखना है बीस परसेंट मेरे को बेच देना है तो जो बीस परसेंट लोग खरीदेंगे ये बोलेंगे कि गवर्मेंट ने क्या कि डिसइनवेस्टमेंट किया मतलब अपने शेयर बेच दिए ठीक है कृत्रिम सूर्य बनाने का प्लान कौन कर रहा है तो बस इतना याद रखेगा चाइना है ये ये देश है कौन चाइना इतना पॉइंट्स आप याद रखिएगा किस दिन सूर्य बनाने के लोग प्लानिंग कर रहे हैं लंदन पेशेंट के नाम से जानने वाले जिसको आ, आ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के बाद वो आ, दोस्तों वो आ, वो बंदा जो था एच से क्या हुआ मुक्त हो गया ठीक है तो उसको लंदन पेशेंट के नाम से जानते हैं फिर बर्लिन पेशेंट में कैसा कैसा आया ठीक है उसका उसको उसको भी एच से छुटकारा मिल गया तो वो भी याद रखिएगा पहला व्यक्ति था जो बर्लिन पेशेंट के नाम से जानते हैं फिर लंदन में कैसा हुआ लंदन में जो हुआ दूसरा मतलब देखो पहला चीज़ बर्लिन बर्लिन में हुआ कि उसको एड्स था उसका बोन मैरो चेंज किया गया ठीक है उसके बाद क्या हुआ कि उसका एच ठीक हो गया ठीक है कैसी लंदन पेशेंट वाले के साथ हुआ कि उसका भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया उसका भी एच ठीक हो गया तो ये तो थो, थोड़ा सा एक टर्म्स याद रखिए लंदन पेशेंट क्या है और बर्लिन पेशेंट क्या है आपसे ऐसे ही यू पूछ सकता है तो आपको ये पॉइंट याद रखना है नौस्त्रो अकाउंट क्या होता है नोस्त्रो अकाउंट सिंपल से दोस्तों होता है कि जब अपना कोई बैंक ठीक है किसी विदेश में जाके अपना खाता खुलवाता है तो उसको बोलते हैं नोस्त्रो अकाउंट बस इतना ही पॉइंट्स आप याद रखिएगा ठीक है आप ये पढ़ेंगे तो आपको आराम समझ में आ जाएगा बट मैंने बेसिक थोड़ा सा बता दिया ठीक है ना उसके बाद बात करते हैं कर्जन ठीक है अलगा अलगा किसके बीच है तो याद रखिए ओमान और इंडिया के बीच एक्सरसाइज है ठीक है इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा उसके बाद वन नेशन वन कार्ड की बात करें देखो ये मतलब भारत देश के प्रधानमंत्री ने भी अनाउंस किया था कि हम वन नेशन वन कार्ड लाना चाहते हैं इसमें क्या है कि आपको पता है मेट्रो कार्ड आप अलग से यूज़ करते हैं जो लोग दिल्ली रहते हैं उनको पता होगा मेट्रो कार्ड क्या होता है तो मेट्रो में ट्रेवल करने के दूसरे तो कार्ड बनता है जिसमें आपको टेन परसेंट डिस्काउंट मिलता है तो नॉर्मली टाइम बचाने के लिए लोग लाइन में लगने से अच्छा मेट्रो कार्ड यूज़ करते हैं क्योंकि तो देखो ए कार्ड तो हम अलग यूज़ करते हैं फिर मेट्रो कार्ड अलग यूज़ करते हैं फिर और कहीं किसी स्टेट में हो जाते हैं तो वहाँ का कार्ड अलग होता है ठीक है सबसे लखनऊ मेट्रो जा रहे हैं या किसी और मेट्रो जा रहे हैं तो हम वहाँ उनका अलग कार्ड होता है तो हमें सेम कार्ड हम यूज़ नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है कि हम क्या कर सकते हैं वो हम एक ही कार्ड का हर जगह यूज़ कर सकते जैसे अगर हम बस में भी ट्रेवल कर रहे हैं तो इसी कार्ड को हम यूज़ कर सकें ठीक है मेट्रो में ट्रेवल करें तो हम इसी कार्ड को यूज़ कर सकें कहीं शॉपिंग कर रहे हैं तो हम सेम कार्ड यूज़ कर सकें सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपके पास एक कार्ड है आपने उस कार्ड को क्या किया अपने अकाउंट से लिंक कर दिया है आपने एक अकाउंट से अपने ट्रांसफर या पैसा इसमें सपोज करो या ट्रांसफर कर लिया ठीक है और आप इसी सब कुछ कर रहे हो शॉपिंग से लेकर हर काम कर रहे हो तो आपका एक, एक ही कार्ड से सारा काम चल रहा है बट इसे फ्रॉड के, के केसेस थोड़े से कम हो जाएंगे बाकी आपके जो पहले ऐसे होते थे तो वो गवर्नमेंट का एक ऐसा सोचना है कैसा पहल है ठीक है तो ये चीज़ याद रखिएगा टोल वगैरह भी आप इससे भर सकते हो तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा इशू को उन्होंने नाम दिया वन नेशन वन कार्ड उद्घाटन कहाँ का किया था अहमदाबाद मेट्रो मेट्रो में ठीक है तो ये चीज़ याद रखिएगा बोल्ड क्यू आई टी परियोजना तो ये याद रखिएगा कि जो ये परियोजना है दोस्तों ये ये दोस्तों ये बांग्लादेश ठीक है बांग्लादेश की सीमा फेंसिंग को लेके है ठीक है ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का इलाका है तो ये बस इतना बोल्ड क्यू आई टी परियोजना क्या है इससे किससे रिलेटेड याद रखिए बांग्लादेश में ठीक है बॉर्डर फेंसिंग से रिलेटेड है बस इतना ही याद रखेंगे आपका काम बन जाएगा ठीक है बॉर्डर फेंसिंग मतलब बांग्लादेश से बहुत सारे ऐसे बॉर्डर है जो हमारे मतलब हमने उसको फेंसिंग नहीं दी है फेंसिंग की ही नहीं उसकी ठीक है तो उसको फेंसिंग करने के लिए वो परियोजना है बस इतना याद रखिएगा बोल्ड मतलब बॉर्डर हल्का हल्का था मैंने क्या किया अच्छे से कर दिया तिशूर कोले वेटलैंड कहाँ पे है तो याद रखेंगे आप एग्जाम पॉइंट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके तो केरल में है ठीक है इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे क्यूलू पन बिजली परियोजना कहाँ पे है तो याद रखिए चिनाब नदी चिनाब ची, नदी पर है दोस्तों जम्मू कश्मीर है आपके एग्जाम पॉइंट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ये चीज़ याद रखिएगा ठीक है कितने शेयर किसके हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ पे है और किस नदी पे ये इंपॉर्टेंट है ठीक है इसकी शुरुआत तीन फरवरी उन्नीस सौ को की गई थी गूगल बोलो ऐप गूगल के द्वारा ये लॉन्च किया गया कि ऐसा ऐप है प्ले स्टोर में जाएंगे आपको मिल जाएगा मतलब आपको बेसिक इंग्लिश अगर सीखनी है दोस्तों तो इससे अच्छा ऐप नहीं है अभी ठीक है बोलो ऐप आपको क्या करना है इसमें जाओगे आप तो इसमें कुछ वर्ड्स पहले आएगा आपको टाइप करना रहेगा फिर उसके बाद पढ़ना रहेगा ठीक है उसके बाद एक स्पीड टेस्ट होगा आपका तीस सेकेंड या दस सेकेंड का समथिंग होता है वो उसमें मतलब रेपिडली बहुत, बहुत तेज़ी से वर्ड आते हैं और आपको बोलना रहेगा उसको तो आपको बोलने का तरीका ये सिखाता है गूगल बोलो ऐप ठीक है तो याद रखिएगा किसने लॉन्च किया था गूगल लॉन्च किया था ये प्राथमिक कक्षा के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी भाषा सीखने में क्या करता है ये मदद करता है तो ये चीज़ याद रखिएगा टेक्स टू स्पीच टेक्निक है जिसमें आपको टेक्स आएगा आप बोलोगे तो वो रीड करता है ठीक है उसमें एक एनिमेटेड पर्सन का नाम दिया गया जिसको उन्होंने दिया नाम दिया है तो इतने पॉइंट्स इतना इतना तो नहीं पूछेगा यू बट बोलो ऐप क्या है क्या है किसने बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक ने बनाया है ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है तो ये याद रखिए गूगल के द्वारा बनाया गया है और प्राथमिक कक्षा के बच्चों को हिंदी अंग्रेजी सीखने में काम मदद करेगा ठीक है उसके बाद इरोड इरोड हल्दी को जीआई टैग मिला तो जीआई टैग मैंने बताया था क्या है इरोड हल्दी याद रखिएगा तमिलनाडु का है ठीक है उसके अलावा जे आई टैग क्या होता है तो वो किसी भौगोलिक किस, प्लेस में ये बस पाए जाने का से कह दो ठीक है जियोग्राफिकल लोकेशन दिखाता है कि यहाँ का जे आई टैक मतलब वहाँ का संपत्ति से कह लो सपोज को ईरोड हल्दी और कोई उगा के कह नहीं सकता कि तमिलनाडु की हल्दी है सपोज कर यूपी में आप रह रहे हो आप ईरोड हल्दी वहाँ यू में उगा के ये नहीं कह सकते कि भैया मैं तमिलनाडु वाली ईरोड हल्दी बेच रहा हूँ ठीक है क्योंकि जे आई टैग मिलने के बाद वहाँ का वो पेटेंट हो जाता है ऐसा समझ लो आप ठीक है तो इरोड हल्दी अगर आप बेचोगे यहाँ पर उगा के तो आप ये कहोगे कि मतलब बेच ही नहीं सकते पहले भी पहली चीज़ अगर आप उगा के बेचना चाह रहे हो हीरोड हल्दी के नाम से तो तमिलनाडु से परमिशन लेनी पड़ जाती है या फिर आप इनको रॉयल्टी नाम या कुछ कुछ मतलब होता है ऐसा कि इनको रॉयल्टी वगैरह के टाइप में आप इनसे परमिशन लोगे तो उसके बाद अगर ये कहते हैं कि आप उगाइए हमारे नाम से ही बेचिएगा तो आप इनके नाम से बेच सकते हो अदरवाइज़ जितने भी एक भौगोलिक लोकेशन में कहा जाता है वो तमिलनाडु ही कहा जाएगा ठीक है सियाई सब का पचासवां स्थापना दिवस मनाया गया तो याद रखिए पच्चीस ईयर को हम बोलते हैं सिल्वर जुबली चालीस ईयर को बोलते हैं रूबी जुबली पचास ईयर को बोलते हैं गोल्डन जुबली साठ ईयर को बोलते हैं डायमंड जुबली पचत्तर साल को प्लेटिनम जुबली, हंड्रेड ईयर को आप बोलते हैं सेंचुरी ठीक है ठीक है एन का चौतीसवां स्थापना दिवस मनाया गया ग्यारह मार्च दो को ठीक है एन की बात करें देखो एन सी आर बी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये आपको पॉइंट याद रखना है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है इसका उद्देश्य भारत की पुलिस सेवा के आधुनिकरण आधुनिकीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी को सशक्त करना काम है तो एन सी के बारे में बस इतना पॉइंट याद रखेंगे आपका काम हो जाएगा ठीक है नाइनटीन एटी में संस्था बनी थी ठीक है सऊदी अरब हमेशा चर्चा में रहता ही है तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे देश के ऊर्जा मंत्री थे तो वो चले गए थे चले गए थे मतलब गए थे ठीक है तो देखो इसका सऊदी अरब के पड़ोसी देश कौन कौन से ये देख लो यमन ओमान वई कतर कुवैत इराक जॉर्डन तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे रेड सी से भी देखिए इसकी बॉर्डर लगती है गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ से बॉर्डर लगता है इसका ठीक है पर्शियन गल्फ से भी बॉर्डर लगता है तो आप ये चीज़ याद रखेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्थान तो उत्तर प्रदेश नोएडा में दोस्तों ये खोला गया तो अट्ठाईस अक्टूबर दो हज़ार सोलह को सौवीं जयंती पर ठीक है इसकी आधारशिला रखी गई थी तो ये चीज़ याद रखिएगा ठीक है तो अब नॉर्मली ये क्या है पंडित देहालू उपाध्याय पुरातत्व तो संस्थान तो इसमें क्या है कि देखो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के एक अकादमी विंग के रूप में इसको स्थापित किया गया है तो याद रखिएगा देखो इसके नाम में ये है पुरातत्व तो संस्थान तो आपको पता चल गया कि पुरानी चीज़ों से ये लोग क्या करेंगे मतलब शोध करेंगे तो इतना ही अगर नॉर्मली याद रखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा ठीक है ई धरती ऐप अब ई धरती ऐप क्या है देखिए ई धरती ऐप में दोस्तों आपकी संपत्ति का रूपांतरण प्रतिस्थापन और उत्परिवर्तन तीनों काम इसी से हो जाएगा ठीक है इसी ऐप के थ्रू कर दिया जाएगा तो यही है बस इतने ही आप पॉइंट्स याद रखेंगे ईडकी हल्दी कहाँ की है तो इड़की हल्दी याद रखिएगा ये दोस्तों आपका केरल का है बस इतनी पॉइंट याद रखना है इडकी हल्दी कहाँ की है तो इडकी हल्दी आपकी केरल की है औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं जो असम राज्य में है बस इतना ही पॉइंट याद रखना है आपको ठीक है कृत्रिम वर्षा कैसे होती है तो अभी क्या है कर्नाटक में दोस्तों एक सौ छिहत्तर देशों में सूखा पड़ने के पश्चात गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम क्या करें कृत्रिम वर्षा कराएं कृत्रिम वर्षा कैसे होती है जैसे बस करो जो बादल के कट बनते हैं जो बिना जो बिना पानी वाले होते हैं देखो बादल दो दूधर के बनते एक तो ये है कि वर्षा करने वाले एक होते हैं सफ़ेद जिसमें बारिश नहीं होते हैं ठीक है बस वो बादल के रूप में होते हैं उसमें क्या होता है कि सिल्वर आयोडाइड की दोस्तों वर्षा कराई जाती है जिसमें ये सघन बादल के रूप में बन जाते हैं और उसमें पानी की बूतें बनती है और धीरे धीरे भारी होकर हिस्ट्री के रूप में बारिश होने लगती है तो इसमें याद रखिए किसका छिड़काव किया जाता है आपसे ये ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है तो याद रखिए सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है ठीक है इससे कि वर्षा के बोधों के रूप में कन्वर्ट हो जाता है ये पिनाका रॉकेट सिस्टम याद रखिएगा डी डी के द्वारा लॉन्च किया गया और स्वदेशी दोस्तों ये हथियार है ठीक है पिनाका की बात करें तो पोखरण रेंज में पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम में का सपेल परीक्षण किया पर गया ठीक है तो याद रखिए पिनाके के बारे में अत्याधुनिक गाइडेंट और किट और आधुनिक नेविगेशन के साथ क्या है लैस है सिंपल सा मतलब ये है कि बहुत ही एडवांस है प्लस इसमें जीपीएस सिस्टम लगाया गया जिसके तहत इसको आप जहाँ भी इंडिकेट करोगे वहीं जाके सटीक मार करेगा ठीक है अगर सपोज करो हमें यहाँ मारना है इस पॉइंट पे मारना है तो इसमें जीपीएस ऐसा है कि उसको ट्रैक करते हुए पूरा कहीं से भी घूम के जाएगा लेकिन मारेगा आपका यहीं पे बस ठीक है तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा गीर वन्यजीव अभ्यारण कहाँ पे है तो गुजरात में बस इतना याद रखिएगा देखो गीर से कूनो पालमपुर मध्य प्रदेश में इन बब्बर शेरों को शिफ्ट करने की बात चली रही थी ठीक है तो कूनोपालमपुर कहाँ पे है आप ये पॉइंट याद रखेंगे कहाँ पे है मध्य प्रदेश में है और गिर जब गिर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका गुजरात में है तो इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा ठीक है पार्क के हिसाब से वुड स्नैक तो प्रयाग टाइगर रिजर्व में दोस्तों ये पाए जाते हैं तो प्रयाग टाइगर रिजर्व कहाँ है तो याद रखिएगा केरल में है ठीक है मेघामलायी वन्यजीव भभरण कहाँ पर तो थेनी तमिलनाडु में है तो ये दोनों प्लेसेज याद रखिएगा आपसे ठीक है वन्यजीव अभरण आपसे पूछा जा सकता है सिपरी सुपारी को जी टैग टैक मिला सिपरी सुपारी कहाँ का है तो कर्नाटक का है बस इतनी ही पॉइंट्स आपको याद रखना है ठीक है जी जी आई टैक क्या होता है जस्ट मैंने अभी बता दिया आपको वर्ल्ड वाइड वेब तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है तो इसका देखो फुल फॉर्म होता है ठीक है डब्ल्यू डब्लू जिसको आप कभी गूगल मतलब कुछ सर्च करते होंगे ना डब्ल्यू डब्लू लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब इसके तीस साल पूरे हो गए थे दोस्तों आपका बारह मार्च को ठीक है तो हाँ गूगल ने इस पर डूगल भी निकाला लाता था गूगल दूग, दूग, डूगल क्या होता है बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा जैसे आप कभी गूगल देखते होंगे तो गूगल ऐसे लिखा होता है ना ना लेकिन कभी कभी देखते हो गूगल डिजाइन में आता है तो जो डिजाइन में किसी चीज़ को प्रदर्शित करते हैं तो उसी को आप बोलते हैं गूगल डूगल ठीक है उसको नाम ही कहते हैं डूगल बोलते हैं उसको तो ये चीज़ याद रखिएगा ठीक है डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की तो टीम बर्नन ली ने की थी 1989 में याद रखिएगा ये हाईपरटेक का उपयोग करने की कल्पना की थी जिसमें एस टी एम एल यू आर एल एस टी पी जिन्होंने कंप्यूटर साइंस या साइंस वगैरह कुछ सब्जेक्ट पढ़ा होगा ट्रिपल सी किया होगा उनको ये चीज़ पता होगी ठीक है ये एक अ, मतलब यू आर एल को एक लोकेशन भेजता है ठीक है कि इसका आपका एक्चुअली में लोकेशन है तो बस इतना आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है तो याद रखिएगा नाइनटीन एटी नाइन में इसकी खोज की थी आपकी या बनाई थी टीम बर्नर ली ने तो भारत में दोस्तों मिली मेढक की एक नई प्रजाति तो अब इसमें अगर आप देखोगे तो कहाँ पे मिला केरल के वायनाड में ठीक है जो इसको नाम दिया गया दोस्तों इसको नाम दिया गया एस्ट्रोबाटाचस कुरियाना तो ये नाम दिया गया कुरियाना जनजाति के नाम पे इसका नाम पड़ा है तो बस इतना याद रखिएगा इसको नाम क्या दिया गया एस्ट्रोबाटाचस कुरियाना कुराना इसको नाम दिया गया कुरियाना जनजाति के नाम पे इसको दिया गया था जो ठीक है तो याद रखिएगा उस इतने पॉइंट याद रखिएगा कहाँ पे केरल में तो इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे ठीक है उससे आगे बात तो करते हैं संप्रीति 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 किसके किसके बीच होता है तो याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच तो युद्धाभ्यास हमारा संप्रति टू थाउजेंड नाइनटीन हुआ अभी ठीक है वेस्ट नील वायरस पाया गया दोस्तों जो क्या होता है कि सपोज करो जूठा फल है वो पक्षी खा लिया ठीक है फिर पक्षी से ये बीमारी क्या होती पक्षी खा लिया ठीक है फिर पर से इतना आप याद रखो कि वेस्ट वेस्ट नील जो वायरस होता है ना ये नॉर्मली पक्षी में होता है यहाँ पे अच्छा हाँ यहाँ पे है तो फिगर क्योंकि तो ये बर्ड्स में होता है बर्ड्स से ये मच्छरों में होता है फिर मच्छरों से बर्ड्स में भी जाता है ठीक है सब कुछ मिस ये मच्छर सबसे ज़्यादा वाहक होता है वाहक मतलब होता है कि फैलाने वाला तो सबसे पहले तो वो होता है पक्षियों में पक्षियों से मच्छरों में फैलता है और मच्छर सब में फैला देता है मच्छर जाके इंसानों को काटता है तो इंसानों में ये वायरस हो जाता है ये घोड़े काटेगा तो घोड़े को हो जाएगा और पुनः मॉस्किटो अगर पक्षियों को काट लिया तो ये पक्षियों को जिन पक्षियों को नहीं हुआ है उन पक्षियों को भी हो जाता है ठीक है तो वेस्ट नील वायरस याद रखिएगा कि ये एक मच्छर जनित बीमारी है तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेस्ट नील वायरस क्या है ठीक है तो ये या याद रखिएगा मच्छर जनित एक बीमारी है और कहाँ पर पाया गया ये केरल में पाया गया ठीक है एक तीन साल के एक साल के बच्चे में अंदर इसको पाया गया था एक सात साल सात साल का था सॉरी तो सात साल का बच्चा तो तो था उसमें ये हुआ पाया गया था ठीक है अमचंग वन्यजीव अभ्यारण्य तो याद रखिएगा कहाँ पर गुवाहाटी आपका असम में है ठीक है तो ये पॉइंट सब बस इतना याद रखना है कहाँ पर असम में है ठीक है ट्रेडमार्क की बात करें देखो तीन तरह से इसके ट्रेडमार्क को लेकर तीन समझौते हैं नीच समझौता हुआ था वियना समझौता हुआ, हुआ था लोकार्नो समझौता हुआ था ठीक है इसमें वस्तु और सेवाओं के अंतर्गत इस पर वर्गीय वर्गीकृत किया गया वर्गी था इसमें ट्रेडमार्क को रिलेटेड बातें कही गई थी और इसमें बौद्धिक संपदा को रिलेट को, को के संरक्षण को लेकर बातें कही गई थी तो लोकारणों के अंदर आप क्या करते हैं अपने बौद्धिक संपदा को मतलब आपने कुछ नया सोचा या इन्वेंट किया उसको बोलते हैं बौद्धिक संपदा ट्रेडमार्क का मतलब कोई चीज़ आपने बनाई जैसे लोगो बनाते हैं हम ना अब सपोज अगर मैंने कंपनी अप, अपनी सपोज़ करो डी के का लोगो बनाया तो क्या है मेरा ट्रेडमार्क हो गया ठीक है कोई चीज़ मैंने इन्वेंट कर दी सपोज़ को कोई नई डिज़ाइन हमने का एक पेन बना दिया या कुछ ऐसा बना दिया जो पहले से नहीं था तो वो मेरा क्या होता बौद्धिक संपदा हो जाए क्यों क्योंकि मैंने उसको इन्वेंट किया ठीक है उसके अलावा जब मैं कोई चीज़ बनाता हूँ सपोज करो कि पेंसिल बनाता हूँ इस डिज़ाइन में या मोबाइल बनाता हूँ तो वो मेरी वस्तु और सेवाओं का क्या हो गया एक ट्रेडमार्क हो गया ठीक है तो ऐसे याद रखिएगा इसको पिंक टैक्स क्या होता है पिंक टैक्स दोस्तों ये नॉमली नौ, मतलब फ़ीमेल प्रोडक्ट में लगता है सपोज करो आप कंघी खरीदते हो राइट कॉम्ब जिसको बोलते हैं ये एक मेल की है और एक फ़ीमेल वाली है ठीक है ये माल तो मेल मानते हैं ये मेल की और फीमेल की है ठीक है ये पुरुष से महिला की मान लेते हैं तो सपोज़ करो अगर पुरुष की कंघी दस रुपए की मिल रही है तो जो महिला की कंघी होगी वो बीस रुपये मिल बीस रुपये की मिलती है तो ये दस रुपये का जो डिफरेंस है ना इसी को बोलते हैं पिंक टैक्स बस इतना याद रखिएगा ठीक है बेसिक फंडामेंटल यही है नॉर्मली देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें महंगा महंगी मिलती है महिलाओं के वस्तु वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है इन कंपेयर टू मेन और इस पर टैक्स थोड़ा ज़्यादा लगता है महिला प्रोडक्ट पर तो इसलिए हम इसको बोलते हैं पिंक टैक्स तो याद रखिए पिंक टैक्स क्या होता है मतलब कि वुमेन्स प्रोडक्ट्स पर लगते हैं ठीक है वुमेंस प्रोडक्ट्स पर लगते हैं बस इतना आप पॉइंट्स याद रखेंगे याद रखिए सिटी लेवेबिलिटी इंडेक्स निकाला गया मर्सर के द्वारा ठीक है जिसमें सिटी लेवलिटी इंडेक्स 2019 निकाला गया जो भारत के दो हज़ार सॉरी लगभग टोटल वर्ल्ड के दो सौ इकतीस शहरों को सूची शामिल किया था जिसमें भारत भारत के हैदराबाद और पुणे को एक सौ तिरालसवां स्थान प्राप्त हुआ दो देशों में ठीक है दो शहरों में आपका हैदराबाद और पुणे को आपका वन स्थान प्राप्त हुआ है चेन्नई को फिफ्टी मुंबई को वन कोलकाता को वन तो इतने वन ठीक है तो इतना ही बस पॉइंट याद रखिएगा मर्सर की बात करें तो देखो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी ठीक है यूएसए में है तो याद रखिएगा इतने पॉइंट्स ठीक है उसके बाद वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है तो याद रखिएगा यू निकालता है बस इतना ही आपको याद रखना है बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है ठीक है भारत की कुछ क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसियाँ हैं जिसके आपको बस नाम याद रखने हैं बस इतना ही आपका काम है ठीक है कृषि लुआ ठीक है कृषि लुआ आई सी आर ए हुआ के हुआ इन्फॉर्मेश मेरिक मेरिक्स हुआ ठीक है इतनी बस इतनी चीज़ याद रखिएगा बाकी और उसमें कुछ या पढ़ने जैसा नहीं है आपको ठीक है वन्यर घाट वन्यजीव तो अभ्यारण तो बस वन्ेर घाट जो वन्यजीव अभ्यारण कहाँ पर याद रखिए कर्नाटक में बस इतना याद रखना है ठीक है मैन पोर्टेबल एंटीटेक गाइडेड मिसाइल डीआरडियो द्वारा बनाया गया दोस्तों ठीक है ये स्वदेशी है तो याद रखिएगा इसको मैन खुद से बैठ के चला सकता है अकेला पर्सन चला सकता है तो इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये ठीक है और ये भी सटीक एक तरह से वार करने में सक्षम है ठीक है नवाचार उत्सव मनाया गया दोस्तों गुजरात में तो बस इतना याद रखिए कहाँ पे हुआ नवाचार उत्सव फेस्टिवल इनोवेशन और कहाँ पर हुआ था तो याद रखिए गुजरात में इसका दसवां संस्करण हुआ था ठीक है इतनी पॉइंट सबको तो याद रखना है और जो तो इसका आयोजन किया गया, गया दोस्तों ये एन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के द्वारा इसका किया गया था एफेंडिक्स याद रखिएगा भारत और साउथ अफ्रीका अफ्रीकन देश के बीच होता है क्योंकि अफ्रीका के दस देश शामिल होते हैं इसमें तो एफेंडिक्स याद रखिएगा भारत और अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के दस देशों के साथ होता है ठीक है योनो कैश दोस्तों लॉन्च किया गया एस के द्वारा इसमें क्या था कि अगर आप कार्ड नहीं है तो आप मोबाइल ऐप अपना इंस्टॉल करिए योनो कैश में जो जो योनो कैश इनेबल एटीएम है मतलब जहाँ पे योनो कैश के थ्रू आप पैसा निकाल सकते हो तो जिस एटीएम से ठीक है वहाँ पर जाइए आपके पास एक मैसेज आएगा कोड आएगा वो आप पैसा निकालिए अपना ठीक है आपको ए कार्ड नहीं ले जाना है यो, वहाँ पर योनो लिखा रहेगा उस पर क्लिक करिए और एक पिन डालिए आपका पैसा तुरंत निकल जाएगा अगर आपके पास ए कार्ड नहीं है तब भी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस तो पंद्रह मार्च को मनाया जाता है और इसके चार पॉइंट इतना ही आपको देखना सूचना का अधिकार सूचना पाने का अधिकार सूचना का अधिकार ठीक है सुने जाने का अधिकार बस इतना ही है इसकी थीम थी ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट तो याद रखेंगे आप ठीक है कुसुम योजना में दोस्तों याद रखिएगा इस योजना को तीन घटकों में बांटा गया है ठीक है घटक ए घटक बी घटक सी तो आपसे ये याद रखिएगा 2022 तक हमें लगभग पच्चीस मेगावाट की हम क्या करें सौर सौर क्षमता को स्थापित करना है तो कुसुम योजना याद रखिएगा किससे रिलेटेड है किसान किसानों को जो है सौर मतलब सौर ऊर्जा से आ, समाहित करना है तो, तो या तो ऐसे कह लो कि अब सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना किसानों के अंतर्गत या किसान किसान भाइयों को ठीक है तो ये चीज़ याद रखिएगा किसान ऊर्जा इसका नाम ये देखो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअियान ठीक है तो सौर ऊर्जा इनको हम क्या करें कोशिश करें कि जो किसान भाई लोग हैं ना वो लोग क्या करें कि जो सोलर पैनल वगैरह इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और ऐसे मतलब बिजली का उपयोग करें जो इनके लिए अफोर्डेबल हों तो इतने पॉइंट्स आप याद रखिए क्वेश्चन का बी सी वन ट्रिपल वन एट फोर तो ये प्रथम मिसाइल ट्रैकिंग जहाज़ है तो बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें ठीक है ये है आपका बी सी ट्रिपल वन एट फोर भारत का पहला लोकपाल बन गया दोस्तों तो याद रखिए जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष इसके पहले क्या है चेयरपर्सन है तो ये ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है ठीक है तो ये चीज़ याद रखिएगा खानदेरी नौसेना में शामिल हुआ तो प्रोजेक्ट सेवेंटीन फाइव के अंतर्गत दोस्तों छः स्कॉर्पियन पंडुब्बी बनाने की बात कही गई थी पहला पंडुबी था आपका कलवारी ठीक है दुस, इसमें दूसरा मैंने अभी छोड़ रखा था दूसरा यहाँ पे है ठीक है बागीर बक्सी अभी निर्माण दो पंडुबी चल रहा है ठीक है एक पंडी का आपका नाम है करंज एक पदनब्बी का नाम था वेला ठीक है तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा एवल पुरस्कार की बात करें देखो एवल पुरस्कार दोस्तों ये करण उलिन बेग को मिला 2019 का ठीक है जोमेट्रिक एनालिसिस एंड गॉस थ्योरी के लिए तो आप इतना पॉइंट्स याद रखिएगा ठीक है और जो करंट पुरस्कार सॉरी एबेल पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों ये नॉर्वे नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है एक एक तरह से जो गणित में आप महारत हासिल करने वाले लोग होते हैं ना गणित में बहुत अच्छा काम करने वाले होते हैं उनको दिया जाता है ठीक है इसकी शुरुआत दो हज़ार दोस्त से कही थी याद रखिएगा मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है बस इतना या ही आपको याद रखना है शुद्ध ग्रह रागुयू तो याद रखिए जक्सा मतलब जापान के अंतरिक्ष एजेंसी है उसके द्वारा इसका खोजा गया था तो आप बस इतने पॉइंट्स याद रखिएगा ठीक है इस पर लगभग दो किलोग्राम का विस्फोटक गिराने का इन्होंने प्लान बनाया था ठीक है जो रागीट्रॉयड है तो बस इतना याद रखेंगे हायाबूषा अगर आप नाम आग आ जाए तब याद अगर हायाभूसा नाम आ जाए तब भी आप याद रखेंगे ठीक है उसके अलावा हायाभूसा आ जाए या जाक्सा आ जाए या तो फिर राग आपका रायोग आ जाए तो इतनी पॉइंट्स आप याद रखेंगे उन्नति की बात करें तो देखो उन्नति का सिंपल मतलब इनका जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ठीक है मतलब ऊर्जा अपनी ऊर्जा दक्षता को हमें क्या करना है बढ़ाना है बस इतनी पॉइंट्स आप याद रखेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अच्छा बी क्या होता है देखो बी स्टार रेटिंग क्या होता है जैसे आप फ्रिज टीवी वी खरीदने जाते हो ना तो जितनी स्टार रेटिंग ज़्यादा होती है उसका मतलब होता है कि बिजली का कंजम्पशन वो क्या करेगा कम करेगा ठीक है तो यही होती है बी स्टार रेटिंग तो इतनी पॉइंट्स आप याद रखिएगा ठीक है उससे आगे बढ़ते हैं अच्छा ये आई हेल्प पर ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद ये फीफा गल ये फीफा गल ये भी याद रखिएगा फीफा गल आपसे ऐसे पूछा जा सकता है दोनों ही इंपॉर्टेंट है तरह से तो आई हेल्प याद रखिएगा असम सरकार के द्वारा डिजिटली चुनावी सर, साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था तो याद रखिएगा मुख्य चुनवाचन निर्वाचन आयोग ने इसको लॉन्च कराया था आई हेल्प तो कहाँ पे लॉन्च किया हुआ था असम में उसके बाद देखो फीफा गर्ल की बात करें तो देखो ये लड़कियों में नॉर्मली क्या होता है आयरन की कमी होती है और ये नॉर्मली किस और किस मतलब किस ओरों के लिए तो ये याद रखिएगा लड़कियों में हीमोग्लोबिन और आयरन की स्तर को बढ़ाने के लिए परियोजना है ठीक है सॉरी याद रखिएगा फीफा गर्ल्स हीमोग्लोबिन और आयरन के स्तर को बढ़ाने का एक प्रयोजना है तो इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो भारत को दोस्तों एक स्थान प्राप्त हुआ था ठीक है तो पहले इसका हमारा रैंक एक था इस साल हमारा रैंक कितना हो गया एक हो गया था तो इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे ठीक है जी हमने देख लिया ठीक है बेनू की बात करें तो देखो नासा 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 ने इसको खोजा था तो याद रखिए किसने किसके द्वारा खोजा गया बेनू को नासा के द्वारा तो इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे ठीक है उसका विश्व जल दिवस मनाया गया 22 मार्च 22 मार्च 2018 को दोस्तों ठीक है तो वर्ल्ड वाटर डे तो लिविंग नो वन बिहाइंड इस बार इसकी थीम थी 2019 की लिविंग नो वन नो वन बिहाइंड ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा नवरोज याद रखिएगा पारसियों का एक पवित्र त्योहार है ठीक है प्रमुख त्यौहार भी है जो इक्कीस मार्च को मनाया गया डोगरिया को जनजाति कहाँ के तो उड़ीसा की बस इतना ही आपको याद रखना है डोगरिया कौन जनजाति कहाँ के उड़ीसा की है ठीक है बक्साइडी खनन के कारण इनकी स्थिति लगातार क्या और विस्थापित होना पड़ रहा है इनको तो याद रखिएगा इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है अब इसमें कुछ कंप्यूटर्स के नाम दिए गए हैं तो बस इतना याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर है ये सपोज करो भारत में सबसे पहला अपना सुपर कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था परम अठारह परम आठ हज़ार बनाया गया था उन्नीस सौ इक्यानवे में ये चीज़ आप याद रखेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है और अमेरिका ने दुनिया दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बनाया जिसको अरोड़ा सुपर कंप्यूटर इन्होंने नाम दिया था तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे ठीक है अगर सैंड स्टोन के पाया गया गुफा ठीक है कहाँ पे कहाँ पे पाया गया था इसको क्रेमपुरी के नाम से भी जानते हैं मेघालय में खासी में पाया गया था तो, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे ठीक है सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा के रूप में इसको चिन्हित किया गया था और इटली ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनने के लिए हामी भर दी थी तो इतनी पॉइंट्स आप याद रखेंगे ठीक है गोल्डन हाइट्स चर्चा में बहुत ज़्यादा था ठीक है गोल्डन हाइट्स हम पढ़ेंगे कहाँ पे है ये आप इसराइल देखेंगे तो इसराइल के जस्ट ऊपर है जो आपका सीरिया और इसराइल से झगड़ा चलता रहता है इनका ये रहा गोलन हाइट्स ठीक है तो अभी ये इसकी बात करें तो इजराइल का पार्ट है ऐसे तो लेकिन सीरिया और इजराइल में झगड़ा चलता रहता है एक्चुअली पहले था सीरिया का पार्ट लेकिन इसमें पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है तो ये चीज़ आप याद रखेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है ठीक है आदिवासी आदिवासी कलाकारों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो इनकी पेंटिंग को देखो अमेजोन ने दोस्तों अमेजोन ने क्या किया है ते तेलंगाना की पेंटिंग है इनको अमेजॉन ने ई कॉमर्स करने का काम चालू किया है मतलब इनकी पेंटिंग को आप ऑनलाइन जाके अमेजोन से खरीद सकते हो ठीक है तो इनके जो कलाकारी इसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है तो कौन सी कंपनी है अमेजॉन है तो याद रखेंगे देखिए गोंड पेंटिंग होती है कोया कोया आर्टिस्ट होते हैं नेक नेकपोर ट्राइब के द्वारा ये कुछ दादीवासियों के द्वारा बनाया जाता है तो याद रखिएगा ठीक ठीक है नाम थोड़ा अगर याद रहे तो ठीक है अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है फॉल आर्मी वन तो ये देखो ऐसे फैला तो दोस्तों ये अमेरिका से था अमेरिका से पहले फिर अफ्रीका में अफ्रीका से फिर एशिया में आ गया जिसमें ये क्या करता है कि जो भुट्टा होता है ना जिसको पॉपकॉर्न आप खाते हो वो पॉपकॉर्न के पेड़ को ही पूरा खा जाता है ये पत्तियों तक खा जाता है ये ठीक है तो ये चीज़ याद रखिएगा उस उसकर्टिबंधित क्षेत्रों व ऊपोष्कटिबंधित क्षेत्रों में पाया जाता है नॉर्मली ये अमेरिका का ये कीड़ा है ठीक है धीरे धीरे एशिया तक में ये फैल गया आगे बढ़ते चिनू हेलीकॉप्टर तो हम याद रखिएगा अमेरिका से ले रहे हैं बस इतने पॉइंट याद रख रहे चिनू हेलीकॉप्टर हम किससे ले रहे हैं ठीक है तो याद रखिएगा अमेरिका से ले रहे हैं हम अलनगा याद रखिएगा किसकी किस बीच किस भारत और ओमान के बीच है ठीक है अल आपका भारत और ओमान के बीच है बस इतनी पॉइंट्स आपको याद रखना है वर्चुअल सिम कार्ड की देखो अभी जो पुलवामा हमला हुआ उसमें वर्चुअल सिम कार्ड यूज़ किया गया मतलब वो सिम कार्ड एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता था बट वर्चुअल सिम कार्ड लोग उसने बना के यूज़ किया था तो अब भारत सरकार इस पर बड़ा सीरियस हो रही है दोस्तों कि वर्चुअल सिम कार्ड कोई बना के कैसे नेटवर्क को यूज़ करता है तो उन चीज़ों को रोकने का प्लानिंग कर रही है तो याद रखिए वर्चुअल सिम कार्ड क्या होता है तो नॉर्मली सिम कार्ड एग्जिस्ट नहीं करता बट वर्चुअली हम उसका नंबर डिज़ाइन कर देते हैं किसी के नाम पर रजिस्टर उसको कर देते हैं बट वो एग्जिस्ट ही नहीं करता सिम ठीक है सी बी एस ई शिक्षावाड़ी सी बी एस ई ने दोस्तों एक शिक्षावाड़ी ऐप लॉन्च किया जिसमें आप अपने स्कूल इस, का टाइम टेबल तक भी देख सकते हो दूसरा ये इसके साथ साथ रिजल्ट वगैरह भी आप यहीं पे देख सकते हो ठीक है एक एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया तो ये इन्फॉर्मेशन वगैरह भी नोटिस देने के लिए भी सारी चीज़ें आप यहीं पे देख सकते हो होली टर्टल तो ये उड़ीसा के तट पर नॉर्मली पाया जाता है ठीक है तो याद रखिएगा ओली डिवेड टर्टल कहाँ पर आते हैं तो उड़ीसा के तट पर आते हैं तो आपको इतना याद रखना है ठीक है तो यहाँ पर प्रजनन वगैरह अंडे वगैरह देने के लिए आते हैं ठीक है तो इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस भी है इस साल तो बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर होली डिडीड टर्टल आए भी ठीक है ना अभी चर्चा में होगी देखो लोग एक तो ये इसमें इसमें फंस जाते हैं ठीक है लोग ये डाल के रखते हैं मछली पकड़ने के लिए तो इसमें ये बेचारे फंस जाते हैं जालों में फंस जाते हैं इस वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है ठीक है माउंट मकालू तो कहाँ पे याद रखेंगे ये ये आपका आ, नेपाल में है ठीक है याद रखेंगे आप ये पॉइंट यहाँ पर है माउंट मकालू तो हमारे सैनिक यहाँ पर चालीस के आसपास लोगों को भेजा गया तो ये पॉइंट याद रखेंगे आप उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया ऑसी इंडेक्स किसके किसी भी होता बस इतना याद रखेंगे तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त तो सैन्य अभ्यास है बस इतना ही पॉइंट्स आपको याद रखना है लास्ट टाइम रिविजन के टाइम ये नादि जनजाति आंध्र प्रदेश की है ये आपको याद रखना है बस बस इतना ही पॉइंट याद रखना है फिंच रेटिंग ने दोस्तों भारत की जो ग्रोथ रेट रहने वाली सिक्स पॉइंट नाइन का रहने का अनुमान दिया है ठीक है और ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी निकालते तो आप ये भी याद रखेंगे ठीक है चंद्रयान टू हम जुलाई के आसपास लॉन्च करने वाले हैं ठीक है जुलाई में आसपास इसरो ने कहा कि हम इसको जुलाई में लॉन्च करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत सामूहिक बनाया ठीक है एफ जिसको देखो एफ तो आपने बहुत बार सुना होगा हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में भी डाल रखा है और पाकिस्तान की हालत भी बहुत ख़राब है तो उतना हमें डिटेल में नहीं जाना क्योंकि अभी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ है नहीं ठीक है तो इतना याद रखने की हमें ज़रूरत इसमें है नहीं ठीक है तीन वैज्ञानिकों को ट्यूरिंग पुरस्कार दिया गया ट्यूरिंग ट्यूरिंग पुरस्कार किसको इसको दिया गया देखिए योसुवा बेंजिया जे जेफ्री हिंटन और यान ली चून को ये ट्यूरिंग पुरस्कार दिया गया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में इन्होंने जो काम किया उस क्षेत्र में इसके लिए ट्यूरिंग पुरस्कार दिया गया है ठीक है तो क्या देखिए ट्यूरिंग पुरस्कार को दोस्तों तकनीक और टेक्निक टेक्निक का टेक्नोलॉजी का नोबेल कहा जाता है ठीक है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो ट्यूरिंग पुरस्कार मिलता है उसको हम टेक्नोलॉजी का नोबेल पुरस्कार कहते हैं तो कंप्यूटर के क्षेत्र में अस्थायी प्रमुख तकनीकों के महत्व को अपने बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया जाता है ठीक है तो इसके लिए उनको दिया गया भारत और बांग्लादेश ने क्रूज सेवा चालू की है तो बस इतना आपको याद रखना है ठीक है नदी के थ्रू क्रूज सेवा चालू किया किसने भारत और बांग्लादेश ने ठीक इतना ही बस याद रखेंगे ठीक है और स्कांडेवियन देश नार्वे ने वायरलेस चार्जिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया तो वायरलेस चार्जिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर याद रखिएगा ये सब उसको सिग्नल होता है वहाँ पे गाड़ी आकर रुक जाती है तो उसके अंदर ऐसे पावर प्लेट लगेंगे ठीक है पावर सोच यहाँ पे रिजनरेटर लगेगा और यहाँ पे एक आपका पावर प्लेट रिजनरेटर रहेगा जिससे आपकी कार जब वहाँ पे सिग्नल रुकोगे तभी आप ऑटोमेटिक चार्ज कर देगा बाकी कुछ ऐसे स्टेशन बनाए जाएंगे जहाँ पर अपनी कार जाकर चार्ज भी कर सकते हो ठीक है ये कॉन्सेप्ट लाया गया नॉर्वे के द्वारा यू ने दोस्तों दुबई में एक विश्व के सबसे बड़े ई वेस्ट रीसाइकिलिंग हब का स्टार्ट किया तो कौन सा देश है ये यू है तो आपको बस इतना याद रखना है ठीक है यू ऐसा देश है आगे बढ़ते हैं आई एन मगर तो ये मोजाबिन के लिए रवाना हुआ था दोस्तों आई एन एस मगर मोजाबिन में तूफान आया था तो उनकी मदद के लिए ये गया था तो याद रखिए कौन सा कौन सा आपका ठीक है तो क्या था तो कौन सा जहाज था हमारा आई मगर था अब पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह ने इंडियन फिजिकल फेरेरिज्म नामक पुस्तक का विमोचन किया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट अपना पंद्रह पंद्रहवें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है आपका ये नाम इंपॉर्टेंट है ठीक है चौदह वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वाई वी रेड्डी है तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना ये पंद्रह से दो तक है दो से ये दो तक चलेगा आपका पंद्रहवा वित्त आयोग ठीक है नंबर की सबसे लंबी गुफा ये इजराइल के शोधकर्ताओं ने खोजी थी और उन्होंने कहा था कि इसराइल में है ये चीज़ ठीक है तो इसे इतना ही पॉइंट याद रखिए कहाँ पे कौन से डेस्टुशन है इजराइल से, से। उड़ीसी नृत्य तो उड़ीसी नृत्य तो उड़ीसा से उड़ीसा का ही है तो बस इतना याद रखेंगे इसमें ठीक है आपको इतना ही बस याद रखिएगा ठीक है और इसमें क्या होता है कि तो सिर शरीर और पैर के भाग अलग अलग बाट के दर्शाया जाता है देखो इस ये हाथ अलग होता है सर सिर अलग होता है और पैर अलग तरीके से इसमें डांस होता है तो ये मुद्राएँ अलग अलग होती तीनों की तो ये चीज़ आप याद रखेंगे तो आई एन एस मगर हमने जस्ट बताई दिया आपका ठीक है कॉफ़ी की बात कर लेते हैं ब्लॉकचेन आधारित तो मार्केट ई मार्केट प्लेस देखो तो अब कॉफ़ी के लिए भी क्या होता है जो लोग कॉफ़ी उगाते हैं ना तो उनको भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता इसमें जो मीडिएटर होते हैं ना मीडिये जब फाइनली मार्केट में आता है देखो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ सपोज करो ये कॉफ़ी आपने उगाई यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मीडिएटर होते हैं, फिर जाके ये मार्केट में आता है तो होता क्या है यहाँ से यहाँ तक जाते जाते ना इनको मिलता है दस रुपये और यहाँ पर आके होता है सौ रुपए के जी अब ये बीटिएटर जो बीच में चार ना ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि क्यों ना हम डायरेक्टली मार्केट में इनके थ्रू बेचवाएं ठीक है मीटीरियल कॉन्सेप्ट ख़त्म करें तो सपोज़ करो अगर इसके आप सॉरी दोस्तों कोई आ गया था इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया ठीक है तो देखो हम पढ़ रहे थे कि ये होता क्या है कि यहाँ से चलता है और बहुत सारे मीडिएटर बीच में होते हैं और मार्केट में जा ये आपको दस रुपये का यहाँ पर यहाँ पर जो कॉफी उगाते हैं उनको दस रुपये का मिलता है और यहाँ आ जा के सौ रुपये का हो जाता है तो नॉर्मली क्या होता है मीडिएटर नब्बे रुपये तो मीडिएटर कमाते हैं दस रुपये बेचारे को इसको मिलता है जो किसान उगाता है तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि डायरेक्टली इस किसान है और यहाँ पे जो जो मार्केट में खरीदने वाला जो थोक व्यापारी है उसके पास इनके डायरेक्ट लिंक हो अब इससे क्या होगा कि सपोज़ को ये पचास रुपये का ही बेचता है अगर दस रुपये से पचास रुपये बेचता है तो पाँच पचास परसेंट क्या होगा इसकी चीज़ें बढ़ गई ना पचास परसेंट क्या पाँच गुना बढ़ गई ठीक है पाँच चार सौ परसेंट के आसपास बढ़ गया तो पाँच गुना इसकी बढ़ गई पाँच गुना तो इसकी इनकम बढ़ जाएगी प्लस इस पर्सन को डायरेक्टली क्या है जहाँ सौ रुपये किलो खरीद रहा था वहाँ कितने का मिलेगा पचास रुपये जब इसको पचास रुपये मिलेगा तो मार्केट में क्या होगा सस्ता आपको भी सस्ता मिलेगा ठीक तो है तो गवर्नमेंट का ये एक्चुअली प्लान है तो इतना आप याद रखिएगा ठीक है तो बस इतना यह नॉर्मली याद रखिएगा कॉफ़ी की बात करें तो देखो अरेबिका कॉफ़ी बहुत सारे कॉफी चर्चा में रहे हैं इस बार कुछ को जे आई टैग भी दिया गया तो यू यू का याद रखिएगा कि ये इसरो के द्वारा चालू किया गया जिसमें जो बच्चे हैं नौवीं कक्षा अच्छा से लेकर ग्यारहवीं कक्षा अच्छा, मतलब तो नॉम नॉर्मली नौवीं कक्षा अच्छा के बच्चों पर फोकस किया गया है कि हर 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 स्टेट से एटलीस्ट तीन हम विद्यार्थी क्या करेंगे चूज़ करेंगे और इसरो में उनको बुला के शिक्षा दी जाएगी कि देखो हम लोग ऐसे काम करते हैं अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ इस फील्ड में आप आगे बढ़िए और अपने आप को आगे बढ़ाइए ठीक है तो दोस्तों देखो हमने लगभग लगभग लग सारी चीज़ें इसमें कम्प्लीट कर ली अपना मार्च महीने का और आपका जस्ट आप अप्रैल महीने का भी मिल जाएगा ठीक है और दिल्ली का आज तो मौसम बहुत सुहाना है बारिश का पूरा माहौल बना हुआ है आज ठीक है हल्की हल्की बारिश भी हो रही है सुबह से तो तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं ठीक है तो उसके बाद आपको अप्रैल का मिल जाएगा और जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले हैं और पंद्रह तारीख के बाद मैं उनसे बोलूँगा कि आप करंट मतलब यूट्यूब छोड़ के अब अपने रिविजन पर फोकस करिए ठीक है थीके? तो आज की वीडियो बस इतने ही रखते हैं तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा की तरह खुश रहिए लोगों पर बांटते रहिए गॉड ब्लेस यू ऑल